Assalamualaikum dear students, हमने 10th class mathematics का chapter number 9 के theorem start किए थे। last lecture में हमने theorem number 1 पढ़ा था, तो आज हम theorem number 2 देखते हैं। इसकी statement देखें क्या है, a straight line drawn from the center of a circle, यानी एक ऐसी line circle की जो center से गुजरे, straight line है। तो यानी center पहले circle चाहिए, ये हमने एक circle बनाया। सेंटर ओ से एक स्ट्रेट लाइन ओ टी ली। आगे कहता है बाइसेक्ट अ कॉर्ड, कॉर्ड कौन सी व्हिच इज नॉट अ डायमीटर। अब सबसे पहले तो देखें कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड होती है सर्कल के ऊपर कोई से दो पॉइंट्स लेकर उन दोनों को आपस में जॉइन कर देना, क्या कहलाता है, कॉर्ड कहलाता है। और कॉर्ड हमेशा याद रखिएगा कि सेंटर से गुजरती नहीं है, अगर वो सेंटर से गुजर जाएगी तो वो कॉर्ड नहीं लेगी, वो हमारा डायमीटर बन जाएगा। हमने कॉर्ड शो करते वक्त हमेशा ये बात यकीनी बनानी है कि वो सेंटर से ना गुजरे। अच्छा, इस परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड दो चीजें गिवन प्रूव। गौर करें, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, यहां तक कोई कंडीशन नहीं दी गई, जस्ट कहता है एक स्ट्रेट लाइन सर्कल के सेंटर से गुजरती है और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। ये हमारा गिवन हो गया, यानी अ सर्कल विद सेंटर ओ, टी इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड पी क्या वो जॉइंट विद ओ। देन आगे कहता है इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अब ये कंडीशन दे दिया है कि वो जो बाइसेक्ट कर रहा है ये वाला ओ टी, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। OT is perpendicular to PQ। अब आते हैं हम फिगर की तरफ, तो हमें गिवन क्या है, a circle with center O, एक सर्कल बनाया, सर्कल के लिए सेंटर भी होता है, वो सेंटर O है। उसके बाद कहता है T is the midpoint of chord PQ, ये chord एक ली PQ और सेंटर पे हाफ पे, मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर की chord थी तो 2.5 पे हाफ हो जाएगा, अगर 4 सेंटीमीटर की थी तो 2 पे हाफ हो जाएगा, वो हाफ पे जाके मिल रहा है। ओ टी ये क्या है, परपेंडिकुलर है, दो एंगल्स बन रहे हैं, एक इधर और एक इधर। हमने क्या किया, जॉइन किया पी को क्यू से विद सेंटर ओ, यानी पी और क्यू दोनों को सेंटर ओ के साथ हमने जॉइन कर दिया। अब देखते हैं इसके अंदर दो ट्रायंगल्स बन गए हैं, कौन कौन सी स्टेटमेंट रीजन के अंदर, ट्रायंगल ओ पी टी और दूसरी है ट्रायंगल क्यू ओ टी, हमारी ये दो ट्रायंगल्स बन गई हैं। हमने ये परपेंडिकुलर प्रूव करना है ओ टी, तो आपको नाइन्थ क्लास में बताया गया था, छोटी क्लासेस में भी बताया गया था कि परपेंडिकुलर कौन सा होती है लाइन जो एंगल कितना बनाती है, 90 डिग्री का बनाती है। इट मींस हमने यहां पर टी के ऊपर एंगल कौन सा प्रूव कर देना है, 90 प्रूव कर देना है। 1 को भी 90 प्रूव करना है, 2 को भी 90 प्रूव करना है, क्योंकि एक ही कॉर्ड के ऊपर बन रहे हैं, तो कॉर्ड के ऊपर जब बनेंगे 90 इधर 90 इधर, तो ये टोटल होगा 180 डिग्री। अब हम अपनी ट्रायंगल्स के अंदर आते हैं, ये जो लाइन है इस लाइन का मतलब होता है करस्पोंडेंस, इन दोनों ट्रायंगल की मुताबकत के अंदर, इन दोनों की ट्रायंगल के रिलेशन के अंदर हमने देखा ओ बी और ओ क्यू। ये देखिए ओ से लेके पी तक, ओ से लेके क्यू तक, सेंटर से किसी एक पॉइंट के ऊपर जाना क्या होता है, रेडियस। तो हमने पढ़ा था कि रेडियस कितने होते हैं, बेशुमार रेडियस हो सकते हैं, लेकिन सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल। तो जितने भी रेडियस होंगे वो लेंथ में सारे के सारे एक जैसे होंगे, यानी ओ पी कंगुरेंट जाएगा ओ क्यू के। इस सिंबल का मतलब क्या है, कंगुरेंट। तो ओ पी ओ क्यू के कंगुरेंट है, ये हमारे रेडियाई ऑफ सर्कल था। उसके बाद पी टी और क्यू टी ये दोनों इक्वल थे, ये हमें गिवन था। गिवन किस लिहाज से था, क्योंकि हमने गिवन में लिखा है टी इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब हाफ पे बाइसेक्ट करना, दोनों इक्वल पार्ट्स बनाना। तो टी अगर मिड पॉइंट है तो टी से पी तक और टी से क्यू तक डिस्टेंस इक्वल होगा, यानी मेजर पी टी इक्वल टू मेजर क्यू टी, ये हमारा गिवन था। उसके बाद हम देखते हैं ओ पी टी
क्या वो ओटी, ये ओटी, ये ओटी, ये दोनों क्या है एक जैसे हैं, यानी ओटी इक्वल टू कंपोनेंट ओटी, ये हमारा कॉमन आया, यानी हमारी ये तीनों की तीनों क्या है साइड्स है, तीनों साइडें पर कंपोनेंट प्रूव कर दिए हैं। तो नाइन्थ क्लास में चैप्टर नंबर 12 के अंदर भी था और चैप्टर नंबर 10 के अंदर आपने डेफिनेशन पढ़ी थी एस 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 पॉस्टुलेट, यानी इन अ कोरेस्पोंडेंस ऑफ ट्रायंगल इफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल कंगुएंट टू द अदर साइड्स ऑफ थ्री साइड्स ऑफ सेकंड ट्रायंगल कंगुएंट देन ट्रायंगल्स आर कंगुएंट, यानी अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइडें दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइडों के इक्वल है तो वो ट्रायंगल्स क्या है कंगुएंट है, तो वो पॉस्टुलेट के थ्रू हमारे ट्रायंगल्स कंगुएंट होंगे एस 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 कंगुएंट एस एस एस। अब एक चीज हमने नाइन्थ क्लास के अंदर पढ़ी थी चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम्स के अंदर आई थिंक पढ़ी थी हमने, वहां पे ये रूल होता है कि अगर ट्रायंगल कंगुएंट है साइड्स कंगुएंट है तो उनके जो एंगल्स हैं वो भी कंगुएंट होंगे, इसके अंदर कौन-कौन से हैं 1 और 2 और ये 1 कहां रहे हैं ये बन रहे हैं एक ही कॉर्ड के ऊपर, अब एंगल 1 एंगल 2 कंगुएंट होगा ये कोरिस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद देखें एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो ये एट क्लास में भी आपने ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा था, 6 7 में भी पढ़ा था कि जो स्ट्रेट लाइन होती है उसके ऊपर सम ऑफ एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री, यानी मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2, ये चीज मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 इक्वल टू PTQ इक्वल 180 डिग्री, ये PTQ माना पूरा एंगल 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री कितना होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो हमारा सप्लीमेंट्री पॉस्टुलेट हो गया। और एक चीज ऊपर बताई थी गिवन में कि टी क्या है मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है तो टोटल साइड भी हाफ हो गई है तो एंगल भी हाफ होगा, एंगल अगर टोटल 180 डिग्री है इधर भी 90 इधर भी 90, यानी मेजर एंगल 1 इक्वल टू इक्वल 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, इसकी रीजन ये थी कि हमने मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 2 को ऊपर प्रूव किया गया कि दोनों इक्वल थे। तो जब ये दोनों एंगल भी इक्वल है लेंथ में भी और है भी दोनों 90 डिग्री के तो 90 क्या बनाता है परपेंडिकुलर, तो ये चीज प्रूव हो गई हैंस ओटी इज